So hey guys, welcome or welcome back to my channel. So as I read from my title or as you read from my Instagram stories कि मैं वेडिंग से आ चुकी, जिसको नहीं पता पहली बार जो वीडियो देख रहा है या फिर जिसको नहीं पता, जो बेसिकली इतना ध्यान नहीं देता होगा वीडियो में, उसको मैं बताती हूँ कि मेरी सिस्टर की वेडिंग थी, कजन सिस्टर की वेडिंग थी, उनकी वेडिंग का मैंने सबको बोला था कि मैं चार पांच वीडियो डालूंगी उनकी वेडिंग से ही रिलेटेड, चार पांच तो नहीं कहा, मतलब दो तीन या फिर चार, पता नहीं मेरे को कुछ भी नहीं पता। और पंजाब में वेडिंग थी, हम कल ही रात को आए थे वेडिंग से और आज ही आपको ये वीडियो देखने को मिलेगी क्योंकि मैं आज सुबह ही शूट कर रही हूँ और मुझे आज ही एडिट करनी है, मुझे आधी अपलोड भी करनी है, तो आप लोगों को आज ही देखने को मिलेगी ताकि लेट ना हो वीडियोस, मेरी कंसिस्टेंसी बनी रहे। क्योंकि कल ट्यूजडे था, मैंने सोचा कि ट्यूजडे को अभी मैं वीडियो नहीं पोस्ट करती, जबकि मेरी पोस्ट थी, सब कुछ था, मैंने कहा अभी नहीं पोस्ट करती, मैं सीधा वेडनेसडे को जाके पोस्ट करूंगी, वेडनेसडे को अपलोड एडिट सब कुछ करके ही पोस्ट करूंगी। आपको वाइब्स समझ भी आ गया होगा, वेडिंग वाइब्स। मुझे मेहंदी बेसिकली पसंद नहीं है पर फिर भी हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी कि हम वेडिंग से आ चुके थे, तो वेडिंग का एक अलग से सेपरेट ब्लॉग आएगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि सारी वेडिंग होगी, ये मैं चीज पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपनी पुरानी वीडियोस में भी, और वेडिंग से रिलेटेड एक बैचलरेट की डेकोरेशन की भी वीडियो आई होगी, जिसे नहीं देखी जाके देख, क्योंकि उसमें बस मैंने डेकोरेट का दिखाया था कि हमने कैसे डेकोरेट करा कैसे नहीं। सो इन दिस वीडियो यू आर गोइंग टू सी वट आई वोर ऑन माई सिस्टर्स वेडिंग, ठीक है, मतलब मेरी आउटफिट्स क्या क्या थी सिस्टर की वेडिंग पे, क्योंकि सबको पता ही कि मेरा लाइफ स्टाइल वाला कंटेंट रहता है, तो मुझे एक आउटफिट की भी सेपरेट वीडियो बनानी ही चाहिए, और जो कि मैं बना रही हूँ, तो क्योंकि मेरी हर एक आउटफिट बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल, ठीक है। मैं वेडिंग ब्लॉग का बता देती हूँ कि वेडिंग ब्लॉग थोड़ा सा लेट आ सकता है मे बी, क्योंकि मैं शायद वेट कर रही हूँ कैमरा की वीडियोज आने का कि कैमरा वाले की साइड से वीडियो आ जाए, लेकिन अगर मुझे वैसे सजेस्ट करे कि मत कर वेट क्योंकि बहुत लेट आएंगे, तब तक एक और दो तीन शादियां और निकल देंगी तभी आएगी वो, तो फिर मैं शायद जल्दी भी डाल दूँ, जल्दी तो नहीं डाल पाऊंगी क्योंकि मेरे को पूरा एडिट करना स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, बैचलरेट पार्ट सब कुछ मतलब उसमें एडिट करना है, तो ये सब तो आपको व्लॉग में भी पता चल जाएगा, सो विदाउट एनी चपड़ चपड़ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो जैसे कि आपको पता ही है आउटफिट से रिलेटेड वीडियो है, जिसको नहीं पता मैं बता देती हूँ कि मेरी मम्मा का एक बुटीक है, तो मैंने सारी ड्रेसेस अपनी मम्मा की बुटीक से बनवाई क्योंकि मुझे रेडीमेड ड्रेसेस नहीं पसंद आती, इवन मेरी दीदी ने भी, इवन मम्मा ने खुद भी सारी ड्रेसेस खुद की भी बनाई है, मम्मा की भी बनाई है, अपनी भी बनाई है, दीदी की भी बनाई है, मेरी भी बनाई है, तो स्पेशल थैंक्स टू माई मॉम कि उन्होंने इतना परेशान हुई थी मम्मा हमारे पीछे, क्योंकि हम कभी बिजी होते थे, जब मम्मा का फ्री होता था तो मम्मा बिजी होते थे, तो स्पेशल थैंक्स टू माय मॉम क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी हमारी ड्रेसेस के पीछे, एक एक चीज इधर से उधर, कोई भी चीज में ऐसे मतलब दिक्कत नहीं थी, एक भी ड्रेस में एक भी दिक्कत थी तो वापस खोल के वापस ठीक करना, मतलब हमारे टंडे बहुत होते हैं आपको पता ही है, तो मतलब स्पेशल थैंक्स टू माई मॉम। और सेकेंडली स्पेशल थैंक्स टू माई दीदी, क्योंकि उन्होंने सारी क्लिप्स वगैरह लेने में मेरी बहुत हेल्प करी, मतलब एक बार भी उन्होंने ऐसे ही नहीं करा कि जल्दी कर वाले, मतलब ऐसे हो ही जाते ना कि शादी में हो और फिर तुम ऐसे इरिटेट भी हो जाते हो, तो उन्होंने एक बार भी मेरे साथ ऐसा फील नहीं होने दिया, तो थैंक यू सो मच। मतलब मैं थैंकफुल नहीं हूँ बट मैं ग्रेटफुल हूँ, मतलब वो मेरी फैमिली है तो मुझे थैंक यू नहीं होना चाहिए क्योंकि फैमिली है वो मेरी, ठीक है, लेकिन बट मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी, सो या वी लव यू टू बोथ। सो स्टार्टिंग ऑफ विद बैचलरेट पार्टी, पहला हमारा फंक्शन था बैचलरेट पार्टी पे, सो आपके पास सारी क्लिप्स आती रहेंगी और इस पे शो होती रहेंगी कि मैंने क्या क्या पहना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बैचलरेट का शो नहीं करा था क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं था कि मैं उस पे भी मतलब ज्यादा अच्छा कुछ करूंगी, तो मैंने नॉर्मल सा ही पिक्स ली थी, तो मैं पिक्स से ही आपको एक्सप्लेन करूंगी। मैंने अपना ब्लैक बेसिक वन पीस दिया था, उसके साथ मैंने पिंक कलर का स्ट्रक पेयर करा था जो कि नॉर्मल लग रहा था काफी, तो उसके साथ फिर मैंने थ्री लेयर वाला एक नेक पीस पेयर करा जो कि काफी मतलब भरा भरा लग रहा था पूरे नेक पे, और उसकी वजह से आउटफिट्स एलिगेंट हो रही थी पूरी। उसके बाद नीचे मैंने बूट्स पहने थे जो कि मैंने उतार दिए थे। इस आउटफिट में ज्यादा कुछ नहीं था सीरियसली, जो मैं आपको इतना बता रही हूँ, तो इस आउटफिट में बस यही था कि मैंने एक नॉर्मल सा वन पीस पेयर करके वो कर लिया, ठीक है। सो सेकंड हमारा था पार्ट, सो पार्ट में मैंने ये ब्लू कलर की अनारकली काइंड ऑफ ड्रेस पहनी थी, अनारकली थी काइंड ऑफ क्या होता है ये, जिसमें कि सिल्वर डिटेलिंग है मेरे नेक पे और नीचे सिल्वर के वो लटकन है सिल्वर और ब्लू के ही, और ये भी मम्मा ने स्टिच करा था, ये मैंने अपने भाई के रोके पे भी पहना था, तो जो सबको ही बहुत पसंद आया था इंस्टाग्राम पे, मतलब इतना ज्यादा पसंद आया था कि सबने मेरे से, एक लड़की ने मेरे से नंबर मांगा था मम्मी का कि एक बार हमें भी नंबर दे दो, शायद हम भी स्टिच कराएं, तो और इसके साथ मैंने सिल्वर ऑक्सीडाइज में व्हाइट थोड़े टच में इयररिंग्स पेयर करे थे और थोड़ा लड़कियों वाला हेयर स्टाइल बना था, लाइक पीछे से ब्रेड, उस वाली वीडियो में दिखाया था मैंने 5 इजी हेयर स्टाइल फॉर गर्ल्स टीनएजर ऐसे कुछ करके, तो मैंने वो वाला हेयर स्टाइल उसके साथ बनाया था जो कि काफी एलिगेंट सा लग रहा था। सो पार्ट की भी आउटफिट पर मेरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट्स आए, थैंक यू। सो मूविंग ऑन टू सेकेंड, थर्ड था हमारा सगन, मतलब मेन अब यहाँ से शुरू होते, सच्ची बताऊँ तो मेन यहाँ से शुरू होते, वो छोटे छोटे थे तो वो ज्यादा वो नहीं होते, लेकिन मेन यहाँ से शुरू होते, तो सगन का बताती हूँ एक सेकेंड।
फर्स्ट ऑफ ऑल सगन से स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया था कि सारी ड्रेसेस मम्मा ने सीखी, तो दो स्क्रैच आउटफिट की भी वीडियो आएंगे कि बजट में कैसे बनाना, क्योंकि जो भी मैंने ड्रेसेस देखी थी, लहंगे देखे थे, वो काफी महंगे थे, तो मैंने उसको बजट में मम्मा से सिलवाया था, कहाँ कहाँ से कपड़ा लिया मैंने, कैसे कैसे स्टिच करा, तो मैंने वो सब उस वीडियो में बताया, सो वेट फॉर दैट यूट्यूब बिकॉज वो भी आएगी, सो वेट फॉर दैट। तो मैंने कलर चूज करा था बेबी पिंक और पिंकिश टाइप में, क्योंकि मेरा कपड़ा वैसा था, तो मैंने बॉटम में यही लिया है, बेल बॉटम सिलवाया था, कलियों वाला बेल बॉटम जिसमें घेरा होता है काफी सारा, जैसे कि आप देख सकते हो काफी वो घूम घूम रहा है। तो फिर उसके बाद ये ऊपर सीक्वेंस कलर का ब्लाउज, इसमें डिटेलिंग काफी अच्छी है, और इसकी चोली थी जिसमें साइड में कट्स थे, आपको धीरे से धीरे दिखेंगे, अभी मैं साइड होंगी ना तो आपको दिखेंगे, तो उसमें साइड में कट थे और पीछे पूरी जाली जाली वाली बैग थी, मतलब इस बैग के पीछे बहुत रोले पड़े थे क्योंकि कभी दिक्कत हो रही थी कभी कुछ हो रहा था, और ये कट थे। और इसके साथ मैंने ज्वेलरियां करी, मैंने मोती वाली ज्वेलरी थी क्योंकि सब कुछ पिंक पिंक था और एक व्हाइट टोन आ रहा था कपड़े में, आपने जैसा देखा ही होगा, तो कपड़े के हिसाब से मैंने व्हाइट में मोती कलर में एक चोकर पहना था जो कि बहुत अच्छा लुक दे रहा था, और कान में ज्यादा ना लगे तो मैंने बिल्कुल पर्ल सा इयररिंग पहना था जो कि बिल्कुल एलिगेंट लुक दे रहा था, मतलब बिल्कुल सोबर सा और बहुत ही मतलब ऐसे एफर्ट्स वाला, क्योंकि एफर्ट्स थे इसमें। तो मूविंग ऑन टू मेकअप, मेकअप में मैंने क्या करा था, अंदर कट क्रीज वाला मेकअप नहीं होता, मैंने दीदी से वो करवाया था क्योंकि व्हाइट टोन आया, थोड़ा पिंकिश टोन आया, तो साइड साइड में पिंक था और वैसे व्हाइट था, बस मैंने आईज पे ही करा था, मैंने बाकी ज्यादा कुछ भी नहीं करा था, ज्यादा ना लगे सेकंड के हिसाब से, और पिंक लिपस्टिक के साथ गई थी जो कि यू नो पूरी आउटफिट के साथ जा रही थी। फॉर दी नेल्स आपको मेरे व्लॉग में देखने को मिलेंगे, नेल्स में बहुत दिक्कत आई थी, नेल्स में मैं पूरा ना वैसे गई थी आउटफिट के हिसाब से, जैसे आउटफिट में मेरे वो था ना लाइने, तो उसके हिसाब से मैंने अपने नेल्स करे। मैं छोटी सी पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी क्लोज से ताकि आपको क्लोज से दिखे, क्लिप्स में अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो। और ज्वेलरी के अंदर हाँ मैंने हाथों में चूड़ियां भी पहनी थी ऑफकोर्स, क्योंकि थोड़ा लुक दे रहा था, मतलब साथ में ही हाथ खाली ना लगे। चुन्नी में मैंने बस एलिगेंट सी चुन्नी ली थी, बिल्कुल धीरे सी छोटी सी पतली सी, और कुछ नहीं था। फॉर दी फुटवेयर मैंने बिल्कुल बेसिक सैंडल्स दिए थे जो कि आजकल हर इंस्टाग्राम ट्रेंडी पे चल रहे हैं, व्हाइट कलर की बिल्कुल ब्लॉक हील्स छोटी सी, मैंने ज्यादा कुछ भी नहीं करा क्योंकि मेरा कलियों वाला वो था। तो सो ये था मेरा सगन का लुक जो कि मुझे बहुत पसंद आया था पर्सनली, मैं इस ऐसी गर्ली गर्ली लग रही थी, और मतलब बहुत गर्ली भी नहीं पर बहुत ऐसे स्टाइलिश सी लग रही थी पता नहीं क्यों, और मेरे को सबने ऐसे बहुत कॉम्प्लीमेंट दिया था इस आउटफिट पे कि ये आउटफिट बहुत प्यारी है, बहुत मतलब बहुत कुछ हो रहा है इस आउटफिट में, बहुत सुंदर आउटफिट है, ऐसे मेरे को सबने बहुत कॉम्प्लीमेंट्स दिए थे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा अच्छी थैंक यू। और ये आउटफिट में मम्मा ने सिली थी, इस आउटफिट में बहुत दिक्कत आई थी, बहुत दिक्कत, मतलब ये वन ऑफ दी फेवरेट लुक थी मेरी कि मतलब क्योंकि मैं इसमें बहुत सुंदर लग रही थी, मेरा मेकअप भी बहुत सुंदर लग रहा था, सब कुछ ही बहुत सुंदर लग रहा था इसमें, समझ रहे हो। और हाँ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको सबसे ज्यादा आउटफिट अच्छी कौन सी लगी, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए ना कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी पसंद आई। ये तो मूविंग ऑन टू हमारा सेकंड फंक्शन था, फोर्थ फंक्शन था मेहंदी में मैंने साड़ी पहनी थी, मेरे को हमेशा से ही साड़ी पहननी थी क्योंकि मेरे को बहुत लोगों ने भी ऐसे बोला था कि साड़ी पहन और बहुत लोगों ने मना भी करा था साड़ी मत पहन, मैंने कहा नहीं मैं पहनूंगी क्योंकि मुझे पहननी थी साड़ी, तो मैंने साड़ी पहनी थी, तो मैं आपको दिखाती थी मैंने क्या कैसे कैसे करा। तो स्टार्टिंग ऑफ विद दी सैंडल्स, मैंने वही सैंडल्स पहने थे जो कि मैंने ज्यादा खर्चा नहीं करा था अपने उसमें, यू नो शरीफ लड़की मैंने ज्यादा खर्चा नहीं करा था क्योंकि मैंने सैंडल्स वही पहने थे, मैं तो क्या ही फुटवेयर खरीदू बार बार ही, तो मैंने वही करे थे। और गर्ली लुक देने के लिए साड़ी में मेरे को सबने बेसिकली ये बना करा था कि आंटी लुक आएगी तू बड़ी लगती है वैसे भी तू बहुत बड़ी लगेगी, मैंने कहा नहीं लगूंगी सॉरी, मैंने क्या करा साटन की साड़ी सिलवाई जो कि बहुत गर्ली लुक देती है, तो जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा ग्रेइश ब्लूइश ओशियन टाइप ऑफ कलर लिया था, हाँ मैंने ये कलर लिया था मक्खी, मैंने ये कलर लिया था जो कि काफी यू नो गर्ली गर्ली लुक दे रहा था साटन में तो बहुत। तो ब्लाउज मैंने सीक्वेंस कलर का ब्लाउज लिया था, सीक्वेंस ब्लाउज लिया था, बिल्कुल मतलब डिटेलिंग थी उसमें, सीक्वेंस सीधी सीधी लाइन थी गोल्डन में, और वो भी बिल्कुल आइस ब्लू टाइप ऑफ कलर था। और बैक की बात करें तो मैंने बैकलेस बनवाई थी, बिल्कुल ऐसे दो स्ट्रिप्स जा रही थी ऐसे, और फिर नीचे एक पट्टी जैसे, क्योंकि यू नो पीछे से बिल्कुल ऐसे था पट्टी जा रही थी, तो मैंने आगे से वी नेक रखा था। तो साड़ी में तो इतना ही था, मतलब पूरी आउटफिट का तो इतना ही था। मूविंग ऑन टू एक्सेसरीज में मैंने वही चूड़ियां पहनी थी, चूड़ियां ऐसे कैसे बोली मैं, दीदी ने सगन की साड़ी पहनी थी ग्रे कलर की, थोड़ी ग्रेइश भी थी, मतलब हमारा ऑलमोस्ट सेम टोन था, पर थोड़ा सा दीदी का डार्क था या फिर लाइट था पता नहीं, तो मैंने दीदी की चूड़ियां यूज कर ली थी इस वाली में, मेरे को अलग अलग नहीं लेने की जरूरत पड़ी थी। और फॉर द इयररिंग मैंने थोड़ा उसमें
झुमके वाले टाइप में इयररिंग्स दिए थे जो कि ना बहुत यूनिक लग रहे थे। मैंने अभी तक ऐसे इयररिंग्स नहीं देखे थे। देखो ये एक यूनिक से दिखे थे ग्रेइश टोन में, तो मेरे को ये बहुत पसंद आया था। और गोल्डन टच था क्योंकि मेरे ब्लाउज में गोल्डन यू नो सिपियां थी, तो मैंने कहा गोल्डन ही लेती हूं। अब मैं बिल्कुल न्यूड मेकअप में गई थी, बिल्कुल ब्राउन ब्राउन टोन्स वाला। और लिपस्टिक भी मैंने अपने देखा ही होगा ब्राउन लगाया, मैंने शेडो में भी शिमर ब्राउन लिया था, ज्यादा कोई डार्क ब्राउन नहीं लिया था। फॉर दी हेयर स्टाइल मैंने कर्ल्स कर दिए, फॉर दी फर्स्ट टाइम मैंने कर्ल्स करा। मेरी इतनी सुंदर लुक आ रही थी ना, मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, कर ही रही हूँ बेसिकली, तो मियां मिर्ची। बट मेरे को खुद को इतनी सुंदर लुक आ रही थी ना, दीदी ने मेरे को पहले ही बोला था कि करवाइयो कर्ल्स, करवाइयो कर्ल्स। मैंने करवाए तो बहुत सुंदर लग रहे थे। तो इसमें मैं हेयर स्टाइल में कर्ल्स रखे थे बिल्कुल बीच का चीर, और कर्ल्स कुछ नहीं करा था, और मैंने ज्यादा कुछ करा हो, बस मैंने हेयर स्टाइल में कर्ल्स सिंपल बाल खुले छोड़े थे। और दी नेल्स हमने रात को बैठ के एक ही रात को, पहले आपको मेरे ब्लॉग में दिखेगा कि हमने किस स्ट्रगल से नेल्स करे एक एक आउटफिट के लिए, दीदी ने अपने पेज के लिए, इंस्टाग्राम पेज के आउटफिट्स के लिए, क्योंकि दीदी नेल्स का करती है आपको पता ही है। पेज भी चेकआउट करो क्योंकि उन्होंने पूरी रात बैठ बैठ के बहुत मेहनत करी है। मैं यहाँ पे भी आईडी मेंशन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी ताकि आप देख पाओ कि उन्होंने रात को बैठ बैठ के पूरे नेल्स करे हैं कि नहीं मेरे को रील डालनी है, रील डालनी है। मैंने भी साथ में करवाया कि नहीं मुझे आउटफिट्स के साथ करना है, आउटफिट के साथ करना है। सो इसमें मैंने नेल्स के लिए गई थी मैं ग्रेइश में। सो नेल्स की भी आपको ऐसे पिक्चर दिख जाएगी, थोड़ा गोल्डन और ग्रेइश टोन था, यही था नेल्स में जो कि दीदी ने बहुत सुंदर करे थे। तो ये था हमारे मेहंदी का लुक। मेहंदी का लुक मेरे को बहुत सुंदर लगा, मतलब सगन का लुक बिल्कुल अलग था, उसमें मैं बिल्कुल पलक लग रही थी, बट मेहंदी का लुक बिल्कुल पलक से हटके था। मैंने कभी ऐसा कुछ ट्राई नहीं करा था, ना मैंने कभी गर्ल्स ट्राई करे, ना मैंने कभी साड़ी ट्राई करी, ना मैंने कभी ऐसा मतलब यू नो पूरा ऐसे ट्रेडिशनल लुक नहीं ट्राई करा था इन साड़ी। सो मेरे को बहुत अच्छी लगी कि मैंने नया नया कुछ ट्राई करा। हाँ ये जो साड़ी थी ये रेडीमेड थी, प्लस पॉइंट है ना, मतलब सुन के ऐसा चौंकने से नहीं हो रहा होगा कि रेडीमेड साड़ी थी, मेरे को उसे उठा के पहननी थी, मुझे किसी को बनवाने की जरूरत नहीं पड़ी, ना फिर मेरे को कुछ भी नीड पड़ी साड़ी में। बेसिकली रेडी टू गो वाली साड़ी में क्या होता है, प्लेटें बनाकर वो टेलर टिच बटन लगा देते कि आपको बस ऐसे करके और आप यू आर गुड टू गो, मतलब आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, आपका पल्ला वगैरह भी सेट रहता है। क्योंकि मैं एक ऐसी बंदी हूँ, मुझे चुनने तक नहीं ले जाती तो मुझे साड़ी तो कहीं संभाली जाएगी। टू ऑल दी गर्ल्स आउट देयर जो मेरी जैसी लड़की है कि जिनसे बिल्कुल ऐसे संभाला नहीं जाता, सो इफ यू आर इनटू साड़ी सो ऐसी साड़ी बनवा सकते हो, रेडी टू गो वाली साड़ी। मम्मा का भी शॉप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी जिसको अगर इंटरेस्टेड हो, जो इंटरेस्टेड हो, क्योंकि मेरे से क्वेरीज आती है मम्मा की शॉप से रिलेटेड कि मम्मा की शॉप कहाँ पे है, ये है वो, तो मैं मम्मा का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी जिसको अगर नीड हो तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। मूविंग ऑन टू हमारा जब हम फिर उसके बाद हमारा पंजाब जाने का वही था, तो हम पंजाब गए। उसके बाद हमारा फर्स्ट फंक्शन था मेहंदी, फंक्शन नहीं था बस मेहंदी लगनी थी, तो मैं उसके आउटफिट दिखा देती आपको, टी शर्ट और पजामा मेहंदी पे, बस और कुछ नहीं पहना था हमने, मतलब ऑफकोर्स क्या बताया मैंने, मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा, छोड़ो। मेहंदी बहुत अच्छी लगी थी, देखो कहां तक मेहंदी लगवाई हमने। फिर हमारा फंक्शन था चूड़ा चढ़ाई की रस्म, जिसको नहीं पता वैसे सबको पता ही होगा चूड़ा चढ़ता है, जिसमें लड़की को मामा मामी चूड़ा चढ़ाते हैं। उसमें मैंने आउटफिट चेंज करी थी, उसमें मैंने पहना था ये ब्लू कलर का सुंदर सा सूट, ये ब्लूइश सी ग्रीनिश सा कलर है उसमें, जिसमें कि सिल्वर कलर की लैस है पूरे में कोने पे ऐसे लैस बिल्कुल, और हैवी और थोड़ा हैवी सा दुपट्टा है सिल्वर डिटेलिंग के साथ ही, पफी स्लीव्स हैं इसकी, फुल स्लीव्स हैं, स्लीव्स पे भी लैस लगी हुई है, चाक पे भी लैस लगी हुई है वही मिरर वाली, और मिरर वाली थी तो मैंने कहा कि ऑक्सीडाइज मिरर वाली ज्वेलरी पहनूंगी, तो मैंने ये ऑक्सीडाइज वाले मिरर में जो आपको दिख रहे होंगे ना ज्वेलरी सी वो पहनी थी। और नेल्स इसमें हल्दी के हो गए थे क्योंकि हल्दी के रात को बैठ के नेल्स करे थे, इसी दिन हल्दी थी इसी दिन हमें आउटफिट चेंज करनी थी, तो हम वही नेल्स करके बैठे हुए थे कि क्या ही चेंज करेंगे। और इसमें मेकअप में मैंने कुछ नहीं करा था ज्यादा, मैंने हल्दी वाला ही मेकअप कर लिया था, जो मुझे हल्दी के आउटफिट पे करना था मैंने वही इस पे मेकअप कर लिया था, शिमर थोड़ा ब्राउनिश शिमर में करके। और इसमें मैं बहुत सुंदर पंजाबन सी लग रही थी, मेरे को इतनी अच्छी वाइब आती थी खेतों में, ऊपर खेतों में शूट कराया था, खेतों में तो प्रॉपर खेतों में, क्योंकि मेरे को डर लग रहा था दीदी को भी बहुत डर लग रहा था साफ पे ना आ जाए, और ऐसे मेरे को देख रहे ना आप ये सब करते हुए तो समझ जाना मैंने पंखा नहीं चला रखा क्योंकि आवाज आती है वीडियो में, तो बहुत मच्छर काट रहे हैं मुझको। तो इस लुक में मैं बिल्कुल पंजाबन सी लुक लगी थी जो कि मुझे करनी थी ऐसे, मतलब यू नो पंजाब में। सो मूविंग ऑन टू हल्दी, हल्दी पे दीदी और मैंने ट्विनिंग कर रही थी, क्या हो गया मुझको, तो दीदी मैंने बिल्कुल ट्यूनिंग करी थी, मम्मा ने हमारी सेम ड्रेस सिली थी बिल्कुल, तो मैं आपको दिखाती हूँ इस ड्रेस में क्या था। फॉर दी हल्दी की ड्रेस हमने जुत्ती पहनी थी सेम कलर की, क्रिस्टलिश पिंकिश में, क्या बोल रही थी मैं, हमने नेल्स भी आपने देखे होंगे हल्दी के, और चूड़िया हमने हल्दी में ली थी क्योंकि ऑफकोर्स हल्दी में तो येल्लो चूड़िया ही होती है। तो इसमें हमारा ब्लाउज ऐसे करके था,
जिसके यहाँ नीचे नीचे शेल्स की गोटियां लगी हुई थी बिल्कुल ऐसे, जो कि बहुत सुंदर डिटेलिंग दे रही थी हमारे पेट पे, बहुत सुंदर। सबने इस आउटफिट में भी बहुत कॉम्प्लीमेंट करा था कि तुम दोनों की आउटफिट बहुत अच्छी लग रही है। और ये जो नीचे आप देख रहे हो वो कुछ पेंट प्लाजो टाइप है, मैं मम्मा से समझा नहीं पाई क्योंकि मम्मा ने मुझे समझा था, मैं समझ नहीं पाई। ये मतलब ऐसे अलग से लुक देता है, ये ना ही पेंट लगता ना ही प्लाजो लगता, बट ये बहुत अच्छा लगता है। इफ दिस मेक्स एनी सेंस टू यू। सो ब्लाउज में हम मिरर ब्लाउज के साथ गए थे और मैंने स्टेप वाला सिलवाया था और दीदी ने स्लीव्स वाला सिलवाया था, क्योंकि सबको पता ही दीदी थोड़ी सी स्किनी है तो उनको अपनी स्लीव्स को लेके बहुत वो इनसिक्योरिटी होती है, तो उन्होंने हाफ स्लीव सिलवाया जिससे कि उनकी बिल्कुल लुक अलग आ रही थी, मतलब बिल्कुल भी उनको ऐसी स्किनी सी नहीं लग रही थी। तो इट्स अ प्रो दिमाग और प्रो टिप फॉर ऑल ऑफ स्किनी गर्ल्स कि अगर आपको ऐसा इनसिक्योरिटी होती है, वैसे नहीं होनी चाहिए लेकिन फिर भी अपने आप को होती है यार, है ना, तो आप ऐसे सिलवा सकते हो, आप हाफ स्लीव में सिलवा सकते हो। जैसे कि आपने देखा ही मैंने स्लीव उसमें सिलवाया है और स्लेप वाले में, तो आप वो सिलवा सकते हो क्योंकि दीदी का भी एक पॉइंट पे बहुत सुंदर लग रहा है। लाइक दोनों अपने अपनी जगह पे बहुत सुंदर है, कोई फर्क ज्यादा नहीं आ रहा स्टेप से और स्लीव से, तो बहुत सुंदर है। और चुन्नी हमने गली पे पतली सी ली थी जिसके अंदर भी गोटियां लगी हुई थी, जिसकी लास्ट में गोटियां लगी हुई थी छोटी छोटी। मेकअप में हम दोनों न्यूट्री स्टोन में गए थे, आप मेरी स्किन पे भी देख सकते हो कि कितनी ऑयल हो गई थी क्योंकि बहुत पसीना था। और मैंने वो इयरिंग्स पहने थे जो को एक इंस्टाग्राम स्टोर ने सेंड करे थे, आपने मेरे देखे होगी अगर वीडियो, जिसने मेरी ध्यान से कोई सी मैंने वीडियो में बताया था, तो ये मेरे को एक इंस्टाग्राम स्टोर ने सेंड करे थे जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। और मैं मेंशन कर दूंगी इनका डिस्क्रिप्शन में पेज, अगर आप देख रहे हो तो, मतलब आप चेकआउट करना चाहते हो तो। दीदी ने भी थोड़े इसी टोन में इसी स्टाइल में इयरिंग्स पहने थे, ऑलमोस्ट सेम ही थे लेकिन दीदी ने स्ट्रीट शॉपिंग से लिए थे। तो हमारी आउटफिट बहुत सुंदर सी लग रही थी, हमें बहुत लोगों ने कॉम्प्लीमेंट करा था आउटफिट्स के ऊपर कि तुम्हारी आउटफिट बहुत सुंदर लग रही है। हम लोगों ने गॉगल्स भी पहने थे, इवन नेल्स भी हम लोगों ने सेम करे थे रात को बैठ के, जो कि काफी गोल्स लाइक क्यू गोल्स, तो नेल्स हम दोनों ने सेम करे थे। मैं ब्लश क्यों हो रही है, ऐसा लग रहा है ना दीदी मेरा पति वती है। नेल्स भी हम दोनों ने सेम करे थे, पर नेल्स भी हम दोनों ने सेम करे थे, तो मैं आपको पिक्चर भी सारी दिखा दूंगी, आपको सब दिख रहा होगा स्क्रीन पे जो अभी मैं एडिट करूंगी आपके लिए। सो ये थी हमारी हल्दी की आउटफिट जो कि मैं बहुत पसंद कर रही थी बहुत। इसमें मैंने कोई स्लोमो नहीं बनाई, कुछ नहीं बनाया इसमें, फोटोज थी, हाँ फोटोज ही थी बस, इसमें वीडियो वगैरह भी कुछ नहीं बनी, बस यूट्यूब की बनी, दीदी की बनी होगी एक आधी बस, मेरा इसमें और कुछ नहीं। और हाँ फॉर द पिक्स एंड ऑल आपको इंस्टाग्राम पे जाना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ पिक्स नहीं दिखाऊंगी आपको, ताकि आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी देख लो TGAF बिजनेस, तो आप इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हो अगर आपको देखनी है पिक्स, तो मैं आईडी डिस्क्रिप्शन में तो देती हूँ हर बारी और यहाँ पे भी मेंशन कर दूंगी। बहुत कर दिया। मूविंग ऑन टू संगीत लुक, हमारी गर्ल्स संगीत नाइट थी जिसमें हम हमने डीजे पे बस डांस करा था और कुछ नहीं करा था। हमारी मेहंदी नाइट थी बेसिकली वो, बट मेहंदी सबके बाहर लग चुकी थी तो मैंने मेहंदी वाला बुलाया ही नहीं था क्योंकि बेसिकली फिर वो एक संगीत नाइट थी। सो फॉर दी संगीत नाइट मैंने वही क्रिस्टल जुत्ती पहनी थी, मैंने बताया ना मैं ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर रही बिजनेस क्या। तो इसमें मैंने अपने पुरानी दिवाली का यह जंपसूट पहना था जो कि काफी एलिगेंट था। इसके ऊपर एक श्रग भी था पर मैंने वो नहीं पहना था क्योंकि यू नो मेरे को नहीं पहनना था, बहुत गर्मी भी थी। चिकनगरी लखनवी कपड़े में ऐसे कुछ करके कपड़ा है, उसमें मम्मा से मैंने ये जंपसूट बनाया था, तब भी स्टेप वाला है, बेसिक नॉर्मल जंपसूट है पूरा। उसके साथ मैं ये हुप्स में गई, सिल्वर कलर के हुप्स में नग वाले, और मैंने बाल स्ट्रेट करे थे लेकिन स्ट्रेट कहीं से लग नहीं रहे होंगे क्योंकि मैं बहुत नाच चुकी थी और थक के बिल्कुल, ये तब बनी थी वीडियो तो बिल्कुल बाल इसमें खराब हो चुके थे नाच नाच के। तो ये थी प्रॉपर लुक, मतलब ऐसे मेकअप में भी वो रात का सुबह का ही मेकअप था जो मैंने सुबह से, सूट में भी हल्दी में भी, और वही मेकअप मैंने चलाया था और कुछ नहीं करा था मैंने मेकअप में भी, इसमें भी कुछ नहीं था, काफी एलिगेंट सिंपल नॉर्मल क्लासी वेस्टर्न सी लुक लेती सब घुसा दिया मैंने। अपनी तारीफ देख लो कितनी करती मैं, कोई तो करता नहीं मुझको ही करनी पड़ती है। मूविंग ऑन टू शादी सबसे मतलब यू नो सबसे बड़ी थी शादी, तो मतलब शादी तो थी, तो कल ही शादी थी, कल थी शादी, परसों थी, हाँ परसों थी शादी, और कल तो फिर बाल वाल धोए नहीं थे तो अभी तक आपको मेरे बालों में कर्ल्स दिख रहे होंगे, यहाँ पे भी दिख रहे होंगे और डार्क सर्कल्स भी दिख ही रहे होंगे। फॉर दी शादी मेरा लहंगे मेरा लहंगा मैं आपको दिखा दी, मैंने लहंगे पहना था ऑफकोर्स, सिल्क स्टार्टिंग से आपने देखा होगा, मैंने वही वाइट कलर की ब्लॉक हील्स पेयर करी थी और मेरे लहंगे का कलर था लेवेंडर कलर मैंने चूज करा था क्योंकि डे की शादी थी तो मुझे काफी ऐसा डार्क टोन नहीं लेना, मुझे काफी ऐसे लाइट ट्रेंडी से कलर लेना था, तो मैं गई थी लेवेंडर कलर के साथ।
तो लहंगे में मैंने जो नीचे जो लहंगे का कपड़ा है ना उसमें मैंने जॉर्जेट लिया था, जो कि सिल्वर कलर का जॉर्जेट था, उसमें सिल्वर सिल्वर लाइन थी हल्की सी जो कि चमक दे ही रही होगी उसमें। और नीचे मैंने ब्लाउज का इतना सा बॉर्डर लगवाया था और आगे ऊपर लहंगा आते इतना सा मैंने ऊपर भी बॉर्डर लगवाया था। और ब्लाउज में मेरा सीक्वेंस का ही कलर का ब्लाउज था, सीक्वेंस पूरा सीक्वेंस वैसे फिश सीक्वेंस करके कुछ था जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, बहुत सुंदर लग रहा था। और इस ब्लाउज में से छोटे छोटे साइड में कट थे, मतलब ऐसे छोटे छोटे साइड में कट थे, मैं जैसे जैसे वीडियो चलती जाती वैसे दिखाती हूँ। तो इस ब्लाउज में से छोटे छोटे कट थे, आपको दिखेंगे अभी साइड में। तो पीछे का मैंने बैक कैसे करी थी, मैंने बैक बिल्कुल ऐसे नीचे वी कट बनवाई थी और बहुत सारी लटकन लगवाई थी उसी, मतलब यू नो ऊपर चोली और नीचे लहंगे से निकलवा के लटकन बनवाई थी मम्मा से ही। सो लटकन भी बहुत सुंदर लग रही थी और पूरा लुक ऐसा आ रहा था मेरे कुछ लहंगे का। और साइड के कट इसमें अभी दिख नहीं रहे शायद, हाँ अब दिखे ना, घूमते टाइम दिखे होंगे आपको गजब मेरे कट। ज़्यादा बड़े नहीं थे कट क्योंकि यू नो साइड से कुछ शो ना होता तो। और मेकअप में मैं गई थी थोड़ा शिमरिश, यू नो कैसे बताऊँ, शिमर वाइट शिमर और लेवेंडर शिमर सब मिक्स था इसमें तो। और मेकअप में काफ़ी यू नो पिंक पिंक टोन में गई, लिपस्टिक में भी मैंने पिंक लगाई, न्यूड नहीं लगाई, ब्लश भी काफ़ी अच्छे से दिख रहा होगा। फॉर दी नेल्स, ये नेल्स मैंने खुद करे थे, मैं आपको यहीं रोक के बताती हूँ, नेल्स मैंने खुद करे थे जस्ट बिकॉज ऑफ दीदी, क्योंकि वो मेरे को एक्सप्लेन करती रहती कि ऐसे से होता है पलक ऐसे से, मतलब वो ध्यान से करती है मेरी नेल्स तो। और यू नो मेरी कैचिंग पावर काफ़ी अच्छी है, मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, मेरी कैचिंग पावर सच्ची में अच्छी है तो मैं देख लेती हूँ ना तो मेरे को पता चल जाता है। तो शादी से एक रात पहले दीदी को अपने नेल्स भी करने थे, मेरे नेल्स भी करने थे तो दीदी के लिए बहुत एक्टिक हो जाता, तो मैंने कहा कि नहीं आप अपने करो मैं कर लेती हूँ। एक हाथ में मैंने बिल्कुल ये ग्लिटर ग्लिटर करे थे और एक हाथ में बीच वाली फिंगर में स्टोन था और साइड थम में भी स्टोन था। और चूड़िया मैंने वही यूज़ करी थी जो मैंने सगन पे पहनी थी क्योंकि पिंक और लेवेंडर टोन नहीं जा रहा था पूरा, तो मैंने यही पहन ली ताकि खाली हाथ ना लगे। फॉर दी हेयर मैं कर्ल्स में गई थी और मैंने बीच का चीज निकाल के ये एक्सेसरीज लगाई थी हल्की सी ताकि मेरी यू नो काफी वो लुक आए। और इससे मेरी पूरी लुक चेंज हो गई थी, पूरी लुक, मतलब मैंने कभी भी ऐसा प्रिंसेस लुक ट्राई नहीं करा, ना ही मुझे कभी करना था पूरा ऐसे डॉल सा लुक। मैं सबसे ही पूछती रही, मैं डॉल सी तो नहीं लगती प्लीज मुझे ये बता दो, पर सबने बोला लग रही है पर बहुत प्रिटी वाली लग रही, मतलब ऐसा कोई यू नो बहुत वो नहीं लग रही कि बहुत ज्यादा कर दिया, वैसे बहुत एलिगेंट वाली लग रही, तो मैंने कहा फिर ठीक है। और फॉर दी इयररिंग्स मैं थोड़े क्रिस्टल टाइप में इयररिंग्स में गई थी, मैं आपको छोटी सी क्लिप में दिखाऊंगी क्योंकि उसमें नहीं दिख रहे, बट ये क्रिस्टल इयररिंग्स में गई थी जिसमें छोटी छोटी यू नो छोटी छोटी नग थे सिल्वर सिल्वर जैसे करके जो कि बहुत सुंदर, मेरे को पता नहीं बाय लक मिले ये इयररिंग्स, पता नहीं क्या, हम मंगोलपुरी में बेसिकली ये कपड़ा ही ले रहे थे तब मैंने अपने लहंगे का कपड़ा बस लिया ही था। और लहंगे का कपड़ा देखते ही हम किसी ज्वेलरी वाली शॉप पे रुके थे तो उसमें ना ये मम्मी ने देखा लेवेंडर, मम्मी ने कहा पलक इधर लहंगे के साथ नहीं जा रहे, मेरे को मम्मी भी बनने तो क्योंकि मैं हमेशा यही ट्राई करती कि बनने दो पहले चीज़, फिर उसके बाद ज्वेलरी आनी चाहिए। तो फिर उसके बाद मम्मी ने कहा नहीं पलक तू ले ले, मेरे को नहीं लगता तेरे इयररिंग्स का कलर कहीं मिलेगा। मैंने कहा कि चलो ठीक है, काफ़ी रीजनेबल रेट भी था तो मैंने कहा ले लेती हूँ। मैंने फिर ये ले ली और मेरे को पता नहीं बाय लक मिली फिर पता नहीं क्या, इसके साथ मांग टीका भी था पर मैंने मांग टीका नहीं लगाया क्योंकि मुझे अभी से मांग टीका नहीं लगाना। तो ये काफ़ी आपको दिख रहे होंगे क्रिस्टल इयररिंग्स जो कि बहुत सुंदर लग रही है नो, बहुत सुंदर। शादी के लुक भी मेरे को काफी पसंद आई, लाइक एंड तक मैं बिल्कुल ऐसी ही थी, मतलब बिल्कुल थकी आ रही हो चुकी थी, फेस पे थकावट आ चुकी थी लेकिन मेरे मेकअप में या फिर मेरे उसमें कुछ भी वो नहीं था, सब कुछ एंड तक भी ऐसा ही था बिल्कुल जैसे था। बाकी तो आपको शादी के ब्लॉग में ही देखने को सब मिलेगा, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको मेरी लुक्स कैसी लगी और कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी लगी। मुझे शादी की पर्सनली लुक बहुत अच्छी और न्यू लगी मेरे लिए क्योंकि मैंने कभी ऐसा कुछ कभी भी ट्राई नहीं करा। यार ये वीडियो बहुत लंबी हो गई तो मैं जल्दी जल्दी आउट्रो करने की कोशिश करूंगी, तो मैं ये बताऊंगी कि सारी लुक मेरे को बहुत पसंद आई और सारी मम्मा ने स्टिच करी, सारी शूट्स दीदी ने लिए थे, सो आई एम नॉट थैंकिंग देम क्योंकि वो मेरी फैमिली, बट आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव देम इन माय लाइफ क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी दोनों चीजों में जो कि उनका फर्ज बनता था। इतनी सुंदर बेटी और इतनी सुंदर बहन होते हुए कौन नहीं, थैंक यू। अभी मैं कहती जल्दी आउटर करूंगी, मैं सारी हरकतें अभी कर दूंगी है ना। सो यही थी मेरी लुक सारी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सारी सबसे ज्यादा आपको लुक कौन सी अच्छी लगी और रेट कर सकते हो तो कर देना, फिर भी नाइस, थैंक यू। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो, मैं सारे पेजेस मेंशन कर दूंगी, दीदी का इंस्टाग्राम का नेल पेज मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, मम्मा का नंबर दे दूंगी और जो मैंने इयररिंग्स वाला वो बताया पेज वो भी मेंशन कर दूंगी अपने उसमें यू नो डिस्क्रिप्शन में। या गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू गाइस एंजॉयड इट अ लिटिल बिट, इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो इफ यू वांट टू सी मोर कंटेंट लाइक दिस। थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू नेक्स्ट, जल्दी वेडिंग व्लॉग्स के या फिर किसी भी चीज के साथ वेडिंग से रिलेटेड ही आएंगे अभी तो। सो या थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लव यू, बाय बाय।